मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम परिया सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सलात व सलाम अलैका प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हर आशिके रसूल की ख्वाहिश होती है कि वो मदीने में जाए, दीदारे मदीना करे, दीदारे सब्ज सब्ज गुम्बद करे। मगर कई ऐसे आशिकान रसूल है जो नहीं जा पाते, जो मदीने की याद में रोते हैं, इस याद में तड़पते हैं और जहन में वो मंजर लाते हैं, वो लम्हा लाते हैं कि जब उनकी हाजिरी होगी दरे नबी पर। सुभान अल्लाह, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाजरीन, एक साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है यादें मदीना। जी हाँ, यादें मदीना शुरू हो चुका है और इसमें हम सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे और फिर बढ़ेंगे तिलावत कुरान पाक की जानिब और फिर इंशा अल्लाह हम कलाम की जानिब बढ़ेंगे। प्यारे प्यारे से नात खां प्यारी प्यारी सी आवाज़ों में हमें कलाम सुनाएंगे इंशा अल्लाह। उन्हीं कलाम के ज़रिए यादें मदीना में, मदीने की याद में गुम हो जाएंगे इंशा अल्लाह। तो दुरूद पाक की फजीलत यह है प्यारे बच्चों कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद पाक पढ़ा, कयामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा यानी हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों हमें जो है दिन भर में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की जानिब। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जैन अत्तारी भाई जी। कौन सी सूरत की तिलावत जो आज आप करने वाले हैं? मैं आज सूरतुल फील की तिलावत करने की सआदत हासिल करूंगा। हाँ अल्लाह। तो प्यारे बच्चों याद रहे, जहाँ कहीं पर भी तिलावत कुरान पाक हो रही हो, हमें जो है अदब एहतराम के साथ तिलावत कुरान पाक को सुनना चाहिए और बातें वगैरह हमें नहीं करनी चाहिए, बातें वगैरह नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप हाथों को बांध लीजिए और सरों को झुका लीजिए। जी शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر فجعلهم كعصف
सुभान अल्लाह माशा अल्लाह मोहम्मद ज़ैन अत्तारी भाई, आपने जो है बहुत ही प्यारे अंदाज में तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी हम सबको भी बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। तो आए प्यारे प्यारे बच्चों और गेट्स मदन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम याद मदीना को आगे बढ़ाते हैं और प्यारे प्यारे से कलाम, प्यारे प्यारे से नात खानों की आवाज़ में सुनते हैं जी। तो पहला कलाम हमें सुनाएंगे हमारे गुलाम तहा भाई इंशाअल्लाह। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। हाँ अल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। अता कर अपने
अल्लाह गुलाम था भाई, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने कलाम पढ़ा, सुभान अल्लाह जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं हम अपने इस्माइल भाई की जानिब और उनसे सुनते हैं एक प्यारा सा कलाम। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जी सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। Yeah.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाज़रीन, हमने सुना कलाम इस्माइल भाई सर ने सुनाया बहुत ही प्यारे अंदाज में, सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर इस्माइल भाई। तो आए बढ़ते हैं उबैद भाई की जानिब और उनसे सुनते हैं एक प्यारा सा कलाम। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे उबैद भाई? मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है, सुभान अल्लाह। जी आ
अल्लाह बैद भाई आपने जो है बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी इसकी बरकत नसीब फरमाए, आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदन चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दो दो बैद भाई। पहले बैद भाई से हमने कलाम सुन लिया, बढ़ते हैं अगले बैद भाई की जानिब। जी हाँ बैद भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? बुला लो फिर मुझे ए शाह बहर उवर मदीने में। सुभान अल्लाह। जी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह, मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफर बने हमारा, मदफर बने हमारा, सरकार का मदीना। Oh,
शबर अल्लाह बैद भाई बहुत ही प्यारे अंदाज में जो है आपने कलाम पढ़ा, अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें बार 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 मीठे मीठे मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। जी तो आए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाजरीन, आपकी कुछ कॉल्स प्रोग्राम याद मदीना में शामिल करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद अतीक रजा तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे ये वाला कलाम सुना दे। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना, जज़ाकअल्लाह खैरा। जी कॉलर की फरमाइश आ चुकी है, बैद भाई आप बात है जी, सुना दे एक दो शेर सुना दिएगा। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जिसने
फैसले करे वो होगे ये नस्ल करे वो होगे लजपाल घराना गए लजपाल घराना गए नस्ल करे वो होगे लजपाल अल्लाह माशा अल्लाह। बैद भाई आपने जो है बहुत ही प्यारे अंदाज में कॉलर की फरमाइश पूरी की जी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने गुलाम तहा भाई की जानिब और उनसे सुनते हैं एक और कलाम। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे बाप? उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। जी सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते।
अल्लाह माशा अल्लाह जी। तो अब कुछ और कॉल्स की जाने बढ़ते हैं जी। मेरा नाम हबीबा है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। बैग भाई ये वाली कल आप सुना दें, सफर हमारा भी और सरकार मदीने का भी जाकल्ला। हाँ अल्लाह फरमाइश आ चुकी है। उबैद भाई के लिए खास सुना देंगे आप? सुना दे। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, के इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का, माशा अल्लाह। बैद भाई आपने जो है कॉलर की फरमाइश पूरी कर दी, जज़ाकल्लाह खैर। आप तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाज़रीन के साथ प्रोग्राम याद मदीना का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक ये प्रोग्राम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। किड्स मदन चैनल देखते रहिए। किड्स मदन चैनल के नाज़रीन आप भी हमें इजाज़त दीजिए और यहाँ पर मौजूद हाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में, तो आपने अगले एपिसोड भी देखनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدينة يا